लेकर पूरी दुनिया में शोध कार्य किए जा रहे हैं ताकि इस बीमारी का इलाज खोजा जा सके। दुनिया के सभी देशों में कई वैज्ञानिक दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। पूर्व गन्ना आयुक्त और कृषि वैज्ञानिक साधुराम शर्मा ने भी गन्ने में होने वाले लाल सड़न रोग का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है कि कोई वायरस जगह और मौसम के हिसाब से अपना असर दिखाता है। उनका कहना है कि लाल सड़न रोग कोलोट्रोटाइकम फलकेटम फफूंद से संक्रमण के चलते होता है, लेकिन फफूंद के स्ट्रेन में अंतर होने के चलते इसका असर अलग अलग होता है। इस रोग के चलते जहां पंजाब में गन्ने की कोजें 64 प्रजाति नष्ट हो चुकी हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में ये प्रजाति अभी भी खूब फल फूल रही है। कुल मिलाकर ये सिद्धांत कोरोना वायरस पर भी लागू होता है। भारत में ये ज़्यादा असर नहीं दिखा सकता। अभी तक जितना भी संक्रमण फैला है वो बाहर से आए लोगों के चलते फैला है। यदि इसमें सावधानी बरती जाए तो कोरोना वायरस के कहर से बचा जा सकता है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में शोध कार्य किए जा रहे हैं ताकि इस बीमारी का इलाज खोजा जा सके, और वहां पर पूर्व गन्ना आयुक्त और कृषि वैज्ञानिक साधुराम शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं बस न्यूज़ पर। धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपने ये थ्योरी बताई है वो फिर से आपसे हम जानना चाहेंगे, किस तरीके की थ्योरी का आपने जिक्र किया है यहाँ पर? ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है जी। यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जब हम ये COJ-64 नाम की प्रजाति लेकर आए थे, उसी समय पंजाब के अंदर उसके अंदर लाल सड़न रोग इतना ज्यादा आया कि वो वहां से वाइप आउट हो गई, खत्म जी। जबकि तब से लगा के, मतलब समझिए ये 70 के दशक की बात है, और तब से लगा के अब तक ये वैरायटी जो है मध्य प्रदेश के अंदर अभी भी जिंदा है। इसका मतलब ये हुआ, फिर बाद में जब अखिल भारतीय अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर और लखनऊ ने के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, तो उनका कहना यह था कि वो जो कोलोट्रोट्राइकम फाल्केटम फफूंद का जो स्ट्रेन था पंजाब का, और यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो दोनों में फर्क है जी। और यहाँ की क्लाइमेट और वहां की क्लाइमेट, यहाँ की ये जमीन और वहां की जमीन में बहुत फर्क है, इसलिए यही प्रजाति वहां और यहाँ में अलग अलग किस्म से असर दे रही है। मेरा ये विचार है कि ये जो मतलब जो कोरोना वायरस आया है, ये मैंने इसके ऊपर विचार विमर्श के लिए डॉक्टर राजेश गुप्ता जो कि डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के, मतलब हैदराबाद के, और भोपाल के डॉक्टर हिमांशु शर्मा जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अपने भोपाल मेडिकल में, दोनों से मैंने विचार किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका कहना सही है, ये स्ट्रेन में अगर अंतर आएगा तो ये जो है उतना असर हमको नहीं दिखा पाएगा, उतना नुकसान नहीं कर पाएगा जी। और उनका ये कहना है कि जो अभी तक बात हुई है थोड़ी बहुत लोगों ने रिसर्च शुरू की है, उसमें से ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ और वहां के ये जो इंग्लैंड और अमेरिका और उसके अंदर जो स्ट्रेन है उसमें थोड़ा फर्क आ रहा है जी। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं फलान पर, वो भी कुछ आपसे सवाल करना चाहेंगे। शरद जी। जी बिल्कुल, डॉक्टर शर्मा बहुत स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार, भेंट हो रही है। जी 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 जी, आप एक प्रखर वैज्ञानिक तो रहे ही हैं और पूर्व गन्ना आयुक्त भी हैं। ये जो स्टेन की आप बात कर रहे हैं, इसको सरल शब्दों में अगर हम दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, ये तो हम समझ गए कि अगर वायुमंडल में अंतर है, वातावरण में अंतर है, जलवायु में अंतर है, तापमान में अंतर है, तो पंजाब में जो गन्ना नष्ट हो गया, जो गन्ने की प्रजाति नष्ट हो गई, वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अभी भी सुरक्षित है और निरोगी पूरे कई खेतों में हमको वो प्रजाति जो पंजाब में नष्ट हो चुकी वो यहाँ लहला आ रही है। यानी ये स्टेन को जरा हमें समझाइए कि स्टेन वो क्या चीज है, वैज्ञानिक जिसकी बात करते हैं क्या है स्टेन, सरल शब्दों में? स्टेन वही है जैसे कि आप यहाँ फोटो देखते हैं उसका, कोरोना का, उसमें बहुत सारे कांटे आपको दिखते हैं जी हाँ। तो अगर किसी में वो कांटे कम हो जाए, इसका मतलब ये स्टेन का फर्क हो गया। ये वैसा ही है जैसे कि अपने मनुष्यों में जाति और जाति, तो ये कोरोना वायरस जो है ये ऐसा नहीं था कि मध्य प्रदेश में या इंडिया में पहले नहीं था, ये तो बरसान बरस का, यानी पुस्तान पुस्ते ये हमारे को सर्दी जुकाम बुखार खांसी दे ही रहा है। कोरोना वायरस तो है, लेकिन उसका ये स्ट्रेन नहीं था जो कि ये अब आ गया है।
नया ये इसकी, जी नोवेल कोरोना जी, तो ये इस वजह से ये नुकसान हो रहा है। और जिस दिन इसके अंदर हमारी जलवायु हमारे हमारे वातावरण की वजह से भी अगर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आता है और जो आ सकता है जी, तो हमको वो आ सकता है, ये अनुमान आपका है कि वो मध्य प्रदेश में आ सकता है या भारत में वो स्टेन में कोरोना के अंतर आ सकता है। और यही वजह है कि जो कोरोना यूरोप में कहर बरपा रहा है वो हिंदुस्तान में उस रूप में सामने नहीं दिख सकता हमको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वरना 5000 इतने करोड़ की आबादी, करोड़ों की आबादी में 5000 का नुकसान हुआ है हमको, अफसोस है हमको, लेकिन मतलब इतना हुआ है और वहाँ वहाँ कुछ हमसे कई गुना कम आबादी इसमें लाखों का नुकसान हो गया है। बिल्कुल आप, तो ये फर्क है वो सुना जी 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 जी, निश्चित तौर पर आप अपने इस अध्ययन को और आगे बढ़ाइए। और बल्कि मैं तो ये भी निवेदन करूंगा कि इसमें कोई राइटअप हो तो किसी साइंस मैगजीन में या फिर मीडिया के माध्यम से ही वो चीज सामने आए, जिसपे ये बहुत आश्वस्त करने वाली बात है डॉक्टर साधुराम शर्मा कि ये जो स्टेन का फर्क है वो कोरोना को भारत में उस तूफानी और उस कहर बरपाने वाले अंदाज में लाने से रोक सकता है जैसा वो यूरोप में कहर बरपाते हुए चीन और यूरोप में हमें नजर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आप इस बात के लिए। जी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, सुना आपने कि नई थ्योरी निकलकर सामने आई है। पूर्व गन्ना आयुक्त और कृषि वैज्ञानिक साधुराम शर्मा जी ने भी गन्ने में होने वाले लाल सड़न रोग का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है कि कोई वायरस जगह और मौसम के हिसाब से अपना असर दिखाता है।